केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से देश भर में शुरू होने वाले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो कि 30 सितंबर तक के लिए प्रभावी होंगी। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए उनमें सबसे अहम है मेट्रो ट्रेन और स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस। देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेनें चरणबद्ध तरीके से चल सकेंगी, पर सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक 4 में भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, मतलब कम से कम 30 सितंबर तक के लिए तो ये सभी बंद रहेंगे ही। सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से इजाजत होगी, बशर्ते उनमें 100 से अधिक लोग शामिल न हों। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर्स भी खोले जा सकेंगे। भारत में कोरोना के मामले किस कदर बेकाबू हो गए हैं, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में 7 दिनों में कोरोना के 4,96,070 नए केस सामने आए हैं, जिसका मतलब है कि पिछले एक हफ्ते में देश में औसतन हर दिन 70,867 केस सामने आए। यह दुनिया में 7 दिनों की अवधि के दौरान दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है, जो जुलाई के अंत में US की सबसे खराब स्पाइक से भी अधिक है। जाहिर है देश में कोरोना महामारी अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुकी है। देश में अब कोरोना पॉजिटिव केसों के मामले 35 लाख पार कर गए हैं। किसी एक प्रदेश की बात करें तो शनिवार को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 16,867 मामले सामने आए। यह संख्या 26 अगस्त को दर्ज किए गए राज्य के पिछले 14,888 से ज्यादा है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया की अब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। कई मीडिया चैनल्स को मिली इस 36 मिनट की क्लिप में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस ऑडियो में सुशांत अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वो रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से बॉलीवुड छोड़ने, अपने रिटायरमेंट प्लान्स और अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं। इस क्लिप में सुशांत, रिया, इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते सुने जा सकते हैं। सुशांत ऑडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि मैं इस शहर से निकलना चाहता हूं और मैं किसी प्राकृतिक जगह पर जाना चाहता हूं, जिस पर रिया जवाब दे रही हैं कि पहले हम गोवा जाना चाहते हैं, 1-2 महीने वहां रहेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। ऑडियो क्लिप में रिया कह रही हैं कि सुशांत के पैसे की FD करा देते हैं ताकि कोई अनजान शख्स उसके पैसे का गलत इस्तेमाल ना करे। हालांकि सुशांत खुद इस ऑडियो में खर्च कम करने और पैसे बचाने की बात करते सुने जा सकते हैं। सुशांत केस में CBI ने अपनी जांच के 9वें दिन शनिवार को रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर लंबी पूछताछ की। ये इंटरोगेशन करीब 7 घंटे तक चली। इससे पहले शुक्रवार को भी CBI ने रिया से करीबन 10 घंटे लंबी पूछताछ की थी, यानी अब तक रिया से करीबन 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के बाद रिया अपने भाई शौविक के साथ मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस से बाहर निकली। यहीं CBI टीम इस केस से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। अब तक CBI ने रिया के अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह, हाउस स्टाफ केशव, अकाउंटेंट रजत मेवाती और दीपेश सावंत के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से भी पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को लगातार तीसरे दिन बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रविवार को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 3 दहशतगर्दों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान एक ASI बाबूराम शहीद हो गए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुठभेड़ की शुरुआत तब हुई जब बाइक सवार आतंकियों ने पंथा चौक में CRPF की 61वीं बटालियन और पुलिस की संयुक्त पार्टी पर गोलियां बरसाई और फिर मौके से भाग निकले। वारदात के तुरंत बाद पूरे इलाके की नाकाबंदी कर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान एक मकान में छुपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए गए, जबकि पुंछ के ही रहने वाले ASI बाबूराम शहीद हो गए। लखनऊ डबल मर्डर केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक रेलवे अधिकारी की बेटी ने ही अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या की है। लड़की नेशनल लेवल की शूटर है। घटना के बाद बेटी ने ही पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस बेटी से घटना के बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने लड़की के कमरे से गन बरामद की है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि घटना के दौरान रेलवे अधिकारी की बेटी घर में ही मौजूद थी, जो घटना के बाद ट्रॉमा में है।
दरअसल शनिवार को लखनऊ में हाई सिक्योरिटी जोन थाना गौतम पल्ली क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना रेलवे के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास में हुई। घटना में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आरडी वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर बीजेपी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नेक्सस को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर बीजेपी का होल्ड है। राहुल गांधी ने कहा कि 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में रुपयों के भुगतान के लिए भी करे और इसके लिए उसे मोदी सरकार की मंजूरी की जरूरत है। राहुल ने कहा कि इसलिए व्हाट्सएप भाजपा के कब्जे में है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर 32 करोड़ 8 लाख लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई बार हेट स्पीच फैलाने के लिए किया जाता है। इस लेख में बताया गया कि फेसबुक कैसे भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में अभद्र भाषा की जांच करने में विफल रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लगातार बारिश से यहां के बड़े तालाब में जलस्तर बढ़ गया है, जिसका पानी नजदीक ही स्थित कोविड केयर सेंटर चिरायू अस्पताल परिसर के अंदर पहुंच गया। तेज बारिश के चलते अस्पताल में करीब 1.5 फुट पानी जमा हो गया है। बता दें कि अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल की कुलांसी नदी समेत सभी छोटी नदियां नाले बारिश से लबालब भर गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL ने बताया कि उसने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस बिजनेस का अधिग्रहण कर रही है। रिलायंस रिटेल ने जानकारी दी है कि यह डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई है। दोनों कंपनियों के बीच यह डील एक विशेष स्कीम के तहत हो रही है, जिसमें फ्यूचर ग्रुप भविष्य में बिजनेस करने वाले कुछ कंपनियों को फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड में विलय कर रहा है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि वह फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स को एक नया आशियाना देकर खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि रिटेल इंडस्ट्री में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम एक बड़े कंज्यूमर ब्रांड के तौर पर अपने खास मॉडल के तहत छोटे कारोबारियों और किराना स्टोर को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। रूस में होने वाले 20 देशों के युद्धाभ्यास से भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। शनिवार देर रात रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। ये तब है जबकि भारत ने एक हफ्ते पहले ही इसमें भाग लेने की हामी भरी थी। वैसे तो प्रवक्ता ने इसके पीछे की वजह कोरोना महामारी और दूसरी जरूरी चीजें बताई हैं, लेकिन समझा जा रहा है कि भारत ने यह फैसला चीन पाकिस्तान के साथ जारी तनाव को देखते हुए लिया है। अनाधिकृत तौर पर सेना के सूत्रों ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव जारी है, ऐसे में उनके साथ युद्धाभ्यास का मतलब नहीं है। दरअसल दक्षिणी रूस के अस्तराखन इलाके में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले इस मेगा वॉर गेम में भारत से आर्मी के करीब 150, एयरफोर्स के 45 और नेवी के कुछ अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे।